ज्योति सिंह अब एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो आज एक सोशल आइकॉन बन चुकी हैं। वो भोजपुरी की कम से कम उन स्टार वाइफों से तो बिल्कुल अलग हैं जो सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन ज्योति सिंह के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज की लड़की हैं और शायद कुछ भी सहना यानी गलत होना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने ऊपर उनके ऊपर कुछ भी गलत हो वो उस चीज़ का विरोध करेंगी। तो भाई वो कैसे पता चलता है, तो आज के दिन ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दो फोटो पोस्ट की। पहली फ़ोटो पोस्ट की और उसके नीचे जो कैप्शन लिखा वो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों की याद दिलाता है। अक्षरा और पवन की जब लड़ाई हुई थी तो अक्षरा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसे ही कैप्शन लिखा करती हैं। यहाँ पर पहले फ़ोटो में अपने फ़ोटो के नीचे कैप्शन देती हैं, द ट्रूथ इज़ रियली प्योर एंड नेवर सिंपल। यानी कि वो यहाँ कहना चाहती हैं द ट्रूथ इज़ रियली प्योर, यानी कि वो ये कह रही हैं कि सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है और उसे पचा पाना उससे भी ज़्यादा कड़वेपन का एहसास कराता है। ठीक थोड़े देर बाद वो दूसरी फ़ोटो पोस्ट करती हैं और लिखती हैं ट्रूथ कैन बी अपसेट नॉट डिफेटेड, यानी कि आपको सच भयभीत कर सकता है, हरा नहीं सकता। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पवन और ज्योति में? क्योंकि ज्योति जिस तरह से लगातार बलिया में है उसे देखकर यही लग रहा है। अब आपको एक और बात, आपने अगर ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया होगा तो उन्होंने पवन सिंह के बर्थडे के दिन उन्हें बर्थडे विशेष दी हैं, लेकिन पवन सिंह ने उनके बर्थडे के दिन उन्हें कोई बर्थडे विशेष अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं दी है। ताज्जुब तो तब होता है पवन सिंह अपनी को स्टार आम्रपाली दुबे का बर्थडे नहीं भूलते, उन्हें बर्थडे विशेष देते हैं, लेकिन ज्योति सिंह जो उनकी जीवन साथी हैं उनका बर्थडे उन्हें याद नहीं है या उन्हें विश नहीं करना है, ये तो पवन सिंह ही जाने। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ तो है जो पवन और ज्योति में ठीक नहीं चल रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।